हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। तो आज मैं आपको एक्टिव पैसिव के कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था उसके कुछ और एग्जांपल्स करेंगे आज हम। तो हमने पहले स्टार्ट किया था पॉजिटिव सेंटेंस से, तो आज भी हम पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। द पोस्टमैन delivers letters, okay। तो इसे हमें पैसिव में बनाना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लाना है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर्स, लेटर्स। फिर इसे हमारे में लेटर्स आर, वी वन का वी थ्री हो जाएगा, मतलब डिलीवर्ड By the postman। Okay। तो अब next example है the clerk collects bill। The clerk collects bills। Okay। तो इसे भी हम लोगों को same way में करना है। Object आगे आ जाएगा, मतलब कि bills। Bills are collected by the clerk। तो मैंने आपको सिखाया था पॉजिटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, प्लस इजमआर लगेगा। तो इधर आर क्यों लगाया, क्योंकि इधर प्लूरल है। फिर वी वन जो होगा उसका वी थ्री हो जाएगा, डिलीवर का वी थ्री है डिलीवर्ड, फिर लगेगा बाय, फिर लगेगा सब्जेक्ट। ओके, तो सेम वे में हमने ये किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है द कंडक्टर गिव्स टिकट्स। द कंडक्टर गिव्स टिकट्स। ओके, तो इसे भी हम लोगों को सेम वे में करना है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ गया जाएगा, मतलब कि टिकट्स। टिकट्स आर given by the conductor। Okay। Next example है the keeper feeds the lion। The keeper feeds the lion। Okay। तो इसमें हमारा object है lion। तो lion is, इधर वी वन का वी थ्री हो जाएगा फीड बाय द, इधर द लायन लगेगा क्योंकि इधर द दिया हुआ है, द लायन इज फीड बाय द कीपर। ओके, तो अब नेक्स्ट मतलब कि लास्ट एग्जांपल है हमारा द पियन रिंग्स द स्कूल बेल। द पियन रिंग्स द स्कूल बेल। ओके, तो इसे भी हम सेम वे में करेंगे। द स्कूल बेल, द स्कूल बेल इज रंग बाय द पियन। ओके, तो ये है हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो हमारा फर्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस पे द वॉचमैन डज नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स। द वॉचमैन डज नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स। ओके, तो इसमें भी हम लोगों को वैसे ही करना है, बीच में नॉट लगेगा। तो पहले हम लोग स्ट्रेंजर्स को आगे लाएंगे। स्ट्रेंजर्स आर नॉट अलाउडेड बाय द वॉचमैन। ओके,
तो इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को आगे ले आए हैं, फिर हमने लगाया इज एम आर, इधर प्लूरल है इसलिए आर लगाए, फिर लगेगा नॉट, फिर वी थ्री, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा द बुक सेलर्स डू नॉट प्रिंट बुक्स। द बुक सेलर डज नॉट प्रिंट बुक्स, बुक्स आर नॉट प्रिंटेड बाय द बुक सेलर। ओके, तो थर्ड एग्जाम्पल है द मैनेजर डज नॉट विजिट द ऑफिस रेगुलरली। द मैनेजर डज नॉट विजिट द ऑफिस रेगुलरली। ओके, तो इसमें भी सेम वे में करना है, द ऑफिस इज नॉट विजिटेड रेगुलरली बाय द मैनेजर। ओके, नेक्स्ट है शालिन डज नॉट लाइक टी। शालिन डज नॉट लाइक टी, तो इसमें भी सेम वे में टी आगे आ जाएगा, टी इज नॉट लाइक्ड बाय शालिन। ओके, तो मेरा लास्ट एग्जाम्पल है सिद्धार्थ डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। सिद्धार्थ डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। ओके, तो सॉन्ग्स आर नॉट सॉन्ग बाय सिद्धार्थ। सिंग का वी थ्री संग हो जाएगा इसलिए। तो करते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। ओके, तो इसमें फर्स्ट है डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लगाएंगे इज एम आर, तो इसमें इज लगेगा, इज न्यूज़पेपर रीड बाय यू एवरी डे। ठीक है, तो अब सेकेंड है डज नेहा प्ले कैरम। डज नेहा प्ले कैरम, तो इसमें सबसे पहले इज लगेगा, इज कैरम प्लेड बाय नेहा। ओके, तो अब थर्ड नंबर वाला डज श्वेतल लाइक कॉफी। डज श्वेतल लाइक कॉफी क्वेश्चन मार्क, तो इस पर सबसे पहले कॉफी इज लगेगा, फिर लगेगा कॉफी, इज कॉफी लाइक बाय श्वेतल। ओके, तो फोर्थ सेंटेंस है डू दे शो चिल्ड्रंस फिल्म। डू दे शो चिल्ड्रंस फिल्म। ओके, तो इसमें आर लगेगा, प्लूरल सेंटेंस है, आर चिल्ड्रन फिल्म्स,
चिल्ड्रेंस फिल्म शोन बाय देम. इधर दे है इसलिए इधर देम हो जाएगा. तो लास्ट सेंटेंस है, डू वी लर्न इंग्लिश पाठमाला. डू वी लर्न इंग्लिश पाठमाला. ओके, तो इसमें आएगा इज इंग्लिश पाठमाला लर्नड बाय अस. इधर वी दिया हुआ है इसलिए इधर अस हो जाएगा. अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में बताना. थैंक यू.